आप में से कई लोगों ने वैक्सीन वॉर ये मूवी देखी होगी, और उस मूवी में हम सभी प्रभावित हुए उन वैज्ञानिकों से जिन्होंने देश के लिए कोविड के समय पे वैक्सीन बनाया। उनके ऊपर तो मूवी बन गई, लेकिन कई सारे हमारे देश में ऐसे अनसंग हीरोज हैं जिन्होंने कोविड के समय पर देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनके जिंदगी का सफर भी बहुत काबिले तारीफ है, और इन्होंने जो काम किया है उस काम के जरिए देश विदेश में कई लोगों की जानें बची है। प्रधानमंत्री का जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है, इनमें इन लोगों का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम आपको बातों बातों में इस विशेष श्रृंखला में रूबरू करा रहे हैं पुणे के डॉक्टर सुधीर वाघमारे और उनके परिवार से। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक इनकी यू, पत्नी वेलकम। राधिका जी हमारे साथ है, और बेटा जो कि अभी उनके मिशन में शामिल हो गया है, सुश्रुत, वो भी हमारे साथ है। डॉक्टर सुधीर की खासियत ये है कि इनका ना मेडिकल का बैकग्राउंड है ना ही इंजीनियरिंग का, बावजूद इसके एक जिसे अननोन टेरिटरी कहा जा सकता है उसमें इन्होंने व्यवसाय शुरू किया। और वो व्यवसाय क्या है, तो सबसे 2003 से लगभग, या उससे पहले से 3 दशकों का इनका सफर है। ये मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाते थे, लेकिन जिसको लैंडमार्क कहा जा सकता है उसमें है छोटे बच्चों के लिए बनाए जाने वाले वेंटिलेटर्स। कोविड के दौरान इन्होंने जो खास तरह के वेंटिलेटर्स बनाए वो, और जो माताएं अपने बच्चों को स्तनपान समय पर नहीं दे सकती या जिन बच्चों को नहीं मिल सकता उनके लिए जो मिल्क बैंक के लिए एक किमी नाम का जो प्रोडक्ट बनाया है वो। इसके अलावा भी इनके कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, हम उन्हीं से पूछते हैं। सर, बहुत ही आपका सफर जो है वो एक तरह से ऐसा है कि जब देश को जरूरत थी तो आपने जिस वॉर फुटिंग पर ये काम किया वो, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपके जहन में कैसे आया कॉमर्स बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग या मेडिकल का कुछ नहीं, कि मैं ये व्यवसाय शुरू करूंगा। नहीं, पहले से तो आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन डूइंग इंजीनियरिंग, लेकिन इंजीनियरिंग में मेरा एडमिशन भी हुआ था, लेकिन 6 महीने के बाद मुझे जो फैक्ट्री व्हील चाहिए था वो नहीं मुझे मिल गया। इसलिए माई फादर इंसिस्टेड कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग 1 ईयर आई शुड नॉट वेस्ट 1 ईयर डू समथिंग एल्स, इसलिए मैंने कॉमर्स को एडमिशन लिया। लेकिन इट वॉज जस्ट अ टेम्प्रेरी फेज, एक्चुअली मुझे नेक्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ही करना था, लेकिन जब कॉमर्स कर रहा था तब मैंने इंजीनियरिंग का पढ़ाई शुरू की और मेरा पैशन इंजीनियरिंग था। तो कॉमर्स की पढ़ाई, कॉमर्स में कॉलेज में जा रहा था कॉमर्स में, लेकिन मैं पढ़ाई कर रहा था इंजीनियरिंग का। तो तभी फिर फर्स्ट ईयर बीकॉम में मैंने पहला हीटिंग पैड बनाया था, इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड, और जब मैं बना के बेच रहा था तो काफ़ी डॉक्टरों से मुलाकात हो गई, तो उन्होंने कहा कि तुम इंक्यूबेटर क्यों नहीं बनाते। तो मुझे इंक्यूबेटर क्या पता नहीं था, तो मैंने एक डॉक्टर से वो कैटलॉग लिया तो क्या है इंक्यूबेटर, वो फिर उसको पढ़ाई किया। तभी वो समझ में नहीं आ रहा था कुछ क्या है, सिर्फ उस पढ़ाई करते करते एक दिन मेरे दिमाग में आ गया कि इंक्यूबेटर कैसे बनाना है, फिर इंक्यूबेटर बनाया। फिर इंक्यूबेटर के बाद फिर एक एक धीरे 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 करते करते मैं ये नियोनेटल प्रोडक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। वो जो मेरा था नया नियोनेटल इक्विपमेंट्स अब टू 2000 तक मैं ये बनाता था, जैसे कि इंक्यूबेटर्स है, वार्मर्स है, फ्रोथेरेपी है। बाद में थोड़ा मुझे बोर होने लगा कि वही वही क्या करना है, सो देन अपने को कुछ बाकी के लोगों से अलग करना है, इसलिए देन आई स्टार्टेड स्टडिंग। मैंने पढ़ाई चालू की कि मेडिकल की पढ़ाई चालू की, डॉक्टर दोस्तों के पास से किताबें लाई, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसमें जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी थी वो समझ में नहीं आ रही थी। तो मैं मेडिकल डिक्शनरी परचेज़ किया, मैंने उससे मैंने रिफ़र किया। बाद में जो समझ फिर भी समझ में नहीं आया मैंने डॉक्टर दोस्तों से पूछा। बाद में इंजीनियरिंग का भी किया, तो वैसे करते 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 मैंने वेंटिलेटर बनाने का सोच लिया और मैंने इवेंचुअली 2003 में नियोनेटल वेंटिलेटर बनाया, तो तभी भारत में कभी किसी ने इंडिया में नहीं बनाया था, और 2003 से आज तक मैं वो बना रहा हूँ वेंटिलेटर। उसके बाद में 2006 में एक हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटरी वेंटिलेटर बोलते हैं उसको, मतलब कैसा रहता है कि जो बच्चे को हम लोग वेंटिलेटर पे रखते हैं तो क्यों रखते हैं, क्योंकि उसको सांस लेने को नहीं आता, तकलीफ होती है, या फिर उसके ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाती है या कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, तो ऐसे मौके पे हम लोग वेंटिलेटर का सेटिंग बढ़ाते हैं कि ऑक्सीजन पूरा दे दो, 100% दे दो ऑक्सीजन, फिर उसका जो प्रेशर है लंग का वो बढ़ाओ, उसका एक्सपिरेटरी प्रेशर जो है वो बढ़ाओ, या उसका सांस जो है 1 मिनट में जा सांस वो बढ़ाओ, या इतना होने के बाद भी
जब बच्चे का ऑक्सीजन नहीं बढ़ता है तो बढ़ता है तो हम लोग कहते हैं कि अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, भगवान से दुआ करो। तभी ये सिचुएशन में एक नया प्रोडक्ट आया है, उसको बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटरी वेंटिलेटर, ओके जो 2004-05 में जिसका स्टडी चालू हुआ यूएस में, अमेरिका में और कनाडा में। और फॉर्चुनेटली मुझे वो मिला, मैंने भी यहाँ पे चालू किया और 2006 में मैंने हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर बनाया पहला, और वो काफ़ी आज तक हम लोग यूज़ कर रहे हैं। फिर बाद में हम लोगों ने एक मिल्क बैंक करके, जो जो मदर अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकती ड्यू टू मेडिकल इलमेंट्स, पहले 3 दिन तो माँ जितना भी चाहे उतना दूध प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो बच्चे को फॉर्मूला मिल देना पड़ रहा है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर बेबीज हेल्थ। तो उसको क्या है, दूसरे मदर का मिल्क देना पड़ता है, लेकिन दूसरे मदर का मिल्क ऐसे डायरेक्टली आप नहीं दे सकते, उसको उस पाश्चराइज उसको एक प्रोसेस है, उसको पैश्चराइजेशन बोलते हैं, वो करना पड़ता है। वो इंडिया में नहीं था, तो मैंने 2017-18 में वो प्रोडक्ट बनाया। बाद में अभी हम लोगों ने और एक बाद में एक फोटोथेरेपी सिस्टम जो जॉन्डिस के लिए वो बनाई, वो पहले से ही बनाते थे लेकिन उसको हम लोग और मॉडिफाई किया, उसको पेटेंट मिला। अभी रिसेंटली अभी 6 महीने पहले हम लोगों ने एक सीपैप करके मशीन, जो वेंटिलेशन इक्विपमेंट है, वो बनाया। और खुशी लगती है कि ऐसे 3-4 प्रोडक्ट को मुझे पेटेंट मिला है हमको, और मेरा बेटा मेरे साथ है, ही इज लुकिंग नाउ आफ्टर वेरी, आई डोंट नीड टू गो टू द फैक्ट्री, मैं फोकस करता हूँ मेरा रिसर्च, बाकी फैक्ट्री का काम सब मेरा बेटा सुशोक देखता है। तो आप देख रहे हैं। एक और बात मैं यहाँ पर जरूर बताना चाहूंगी कि डॉक्टर वाघमारे, इनके बारे में जब मैंने जाना और चाहा कि उनको बातों बातों में आपसे मिलाऊं, तब ये केमोथेरेपी ले रहे थे और उन्होंने मुझे कहा कि शायद मैं बोल ना पाऊं क्योंकि कैंसर वॉरियर है डॉक्टर वाघमारे और कैंसर से लड़ रहे हैं। लेकिन उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर वाघमारे कम से कम बोले या जितना जरूरी है उतना बोले। और उनकी पत्नी राधिका जी है, तो राधिका जी मैं पहले तो ये जानना चाहूंगी कि आपकी शादी से शुरुआत करते हैं, कैसे मिले आप दोनों? इनकी मामी जो है वो मेरी मम्मी की फ्रेंड थी, तो जी उसके माध्यम से हम दोनों मिले। और मुझे तो पहले से बिजनेसमैन से शादी नहीं करनी थी पहले से, ओके लेकिन इनसे मिलने के बाद ऐसा लगा कुछ तो भी ऐसा क्लिक हो जाता है ना जी पैसा। जी और फिर हमने 1992 में शादी की। जी तब बिजनेस बहुत छोटा था, इतना कुछ प्रोडक्ट नहीं बनाते थे वो, और फैक्ट्री भी पहले हमारे घर में थी। और उसके बाद हमारी शादी के बाद उन्होंने रेंट पे बेबेवाड़ी में एक ऐसा बंगला लिया था। और 1995 में हमारी कातरज में बड़ी फैक्ट्री हो गई। तो बिजनेसमैन से शादी नहीं करनी थी क्योंकि हम, मुझे पता है मध्यम वर्ग की क्या मेंटालिटी हाँ होती है। जब मैंने भी शादी का फैसला किया तो मेरे पिताजी पूछते थे पेंशनेबल जॉब है क्या तो वो एक माइंडसेट होता है हमारा वैसे ही मिडिल क्लास का। लेकिन इनका जब सफर शुरू हुआ तो मैं सुश्रुत से भी जानना चाहूंगी कि अब तुम भी आप बिजनेस में ज्वाइन हो चुके हो, क्या घर में देखते देखते बचपन से फैक्ट्री में जाते थे, देखते थे पिताजी क्या कर रहे हैं? एंड यू ग्रू अप विद दैट? आई डिड सो व्हेन आई हैव मेमोरीज लाइक व्हेन आई वाज 6-7 इयर्स ओल्ड 6-7 साल के थे आप या तब से? सो व्हेन आई जी वाज 6-7 इयर्स ओल्ड आई हैव मेमोरीज वी यूज्ड टू लिव इन आवर ओल्डर होम अ डिफरेंट होम एंड आई रिमेम्बर देयर वाज दिस स्मॉल रूम वेयर इन ही यूज्ड टू स्टडी एंड एवरी इवनिंग व्हेन आई वेंट ही यूज्ड टू कम होम फ्रॉम द फैक्ट्री एट लेट्स से 5:30 6 बजे को आते थे एंड वेन एवर आई सॉ हिम ही वॉज ऑलवेज देयर इन दैट रूम एंड ही वॉज ऑलवेज स्टडी वट एवर ही डिड एंड यू डिडंट यूज टू कम आउट फॉर आवर्स बीट शाम को 7 बजे बैठे एंड यूज टू कम एट 1:30 ट्वेल्व अच्छा थर्टी एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड वॉट ही वॉज डूइंग सो बहुत टाइम ऐसा हुआ कि आई वेंट टू हिम एंड आई वॉज अ किड आई डिडंट नो आई स्टिल एम किड बट आई वेंट टू हिम एंड आई आस्क्ड कि क्या है एंड इवेंचुअली आई डिडंट गेट इट बट सम सॉर्ट ऑफ थिंग दैट आई अंडरस्टैंड दैट वी हैव अ बिजनेस एंड देर इज अ फैक्ट्री एंड इवेंचुअली लाइक आई स्टार्टेड गोइंग टू द फैक्ट्री आई ओनली वेंट कोई वंस और आपको ट्वाइस समझ में आता था कि प्रोडक्ट्स क्या बन नो रहे हैं क्या है? हिंदी में बात करेंगे तो अच्छा हाँ रहेगा नो क्योंकि प्रॉब्लम हम जल्दी से अंग्रेजी में फिसल जाते हैं, हमारी जनरेशन की भी ये। जी बोलिए। तो आई मुझे पता नहीं था बेसिकली कि क्या करते हैं एंड वॉट द प्रोडक्ट्स आर मुझे समझ में आया इन 2014-15 एंड मोर इम्पोर्टेंटली मुझे समझ में आया आफ्टर द फर्स्ट टाइम ही गॉट कैंसर उसके बाद आई एक्चुअली स्टार्टेड लुकिंग इन टू इट
कि ये क्या करते हैं एंड व्हाट इज द फील्ड दैट वी वर्क इन. सो आई यूज्ड टू गो टू द फैक्ट्री बट इट वाजंट एज मच, इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी फेज कि मतलब क्या है क्या है, व्हाट हाउ द पीपल आर देयर एंड व्हाट वी डू. बट इवेंचुअली आई गॉट इनटू इट इन 2019. तो 2019 से सुश्रुत भी फैक्ट्री के काम में जुड़ गए. ये अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, इन्होंने भी पिताजी की तरह कॉमर्स ग्रेजुएट किया और अभी लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं. अभी जो जो प्रोडक्ट्स हैं आपके, तो वो कहाँ कहाँ जाते हैं, आपको ये बिजनेस के बारे में क्या क्या समझ आ रही है पिताजी के? मैं ऐसा बोलूँगा कि मुझे इतना नहीं पता बिकॉज इट्स ओनली बीन 4 years, 4 साल ही हुए हैं नाउ दैट आई हैव जॉइंड. सो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मुझे सब पता है बिजनेस के बारे में बिकॉज इवन ही डजंट सी दैट राइट. एंड इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस ही इज इन दिस फील्ड. बट जब भी व्हेन आई आस्क हिम समथिंग, वो हमेशा बोलते हैं कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिस फील्ड. करेक्ट. सो इट इज वेरी हार्श ऑन माई पार्ट टू से कि मुझे सब पता है. हाँ, सब नहीं, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे प्रोडक्ट्स ये हैं. आई विल टेल अबाउट दैट. हाँ, ओके. सो प्रोडक्ट्स हमारे ऑल इंडिया तो है, वी हैव ऑफिसेज इन ऑल स्टेट्स, बस 3 स्टेट में ऑफिस नहीं है. एंड वहाँ पे तो सब जगह जाता है. देन इन 2015 टिल 2015 हमने बहुत ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, अभी 2019 में द US, फिर इन अगेन 2020 हमने श्रीलंका में भी सप्लाई किया. तो इंडिया में देर इज लाइक वी आर वेरी हैप्पी टू सी दैट 70-75% जो मार्केट रहता है इन नियोनेटल बेसिक प्रोडक्ट्स, वो इंडियन मार्केट ही हैज़ कैप्चर्ड. एंड वी सप्लाई पैन इंडिया, इवन कंट्रीज नियर टू अस. एंड मेन थिंग इज वी ऑल्सो सप्लाई टू द US, जो इंडियन कंपनीज नहीं करते हैं. सो द प्रोडक्ट किमी, उसने हमें एनेबल किया है कि वी कैन सप्लाई टू द US. एंड वन ऑफ द वेरी फ्यू इंडियन फर्म्स मेडिकल ऑफ मेडिकल बैकग्राउंड की जो US को सप्लाई करते हैं. सो दिस इज आवर फील्ड ऑफ ऑपरेशन. करेक्ट. डॉक्टर साहब, मैं आपको पूछना चाहूंगी क्योंकि देखिए, आपकी पढ़ाई हुई कॉमर्स में, बाद में आपको पैशन इंजीनियरिंग का था, मेडिकल इक्विपमेंट्स में आप आए और ये तो पहला प्रोडक्ट, जैसे कि राधिका जी बता रही थी कि घर से फैक्ट्री शुरू की और पहला प्रोडक्ट जो है वो आपका जब रोल आउट हुआ, वो आपका जब बाहर आया, तब क्या लगा? और पहला आपका याद है कि कौन कस्टमर था? हाँ बिल्कुल. हाँ, मुझे सभी कस्टमर्स पहले याद है. मुझे इतना भी याद है कि मैं सर पे उठा के इंक्यूबेटर कोल्हापुर लेके गया था एसटी से. एसटी में गए थे, हाँ, लोकल अपना लाल पीला जो एसटी रहता है, तभी उससे फिर कोल्हापुर पहुँचने के बाद उसने उतारा है, फिर सर पे उतले के मैं. सो आई रिमेम्बर ईच एंड एवरी कस्टमर. पूना में पहले डॉक्टर राम दोंगड़ेकर के है, डॉक्टर मुकुंद संगम नेरकर है, डॉक्टर अजीत पडरकर है, बहुत बहुत डॉक्टर अमिता फडनेस है, KM हॉस्पिटल पूना का. आई रिमेम्बर ईच एंड एवरी कस्टमर. उनके प्राइसेस भी मुझे याद है. बट इतना खुशी होती ना कि जब मैंने पहला प्रोडक्ट रोल आउट किया, तो उसके पहले मार्केट में आने से पहले इतना उसको मैंने टेस्टिंग किया था. बिकॉज अगेन वो थोड़ा एप्रिहेंशन था कि सर्टिफाइड इंजीनियर नहीं हूँ मैं, तो मुझे जो एक नॉर्मल सर्टिफाइड इंजीनियर है उससे ज़्यादा अक्ल मुझे होनी चाहिए. अगर किसी ने मुझे पूछा कि क्या है, तो मुझे उसका आंसर देना आना चाहिए. इसलिए मैंने वो नॉर्मल इंजीनियर से ज़्यादा पढ़ाई की थी. तो वही पढ़ाई मैंने इम्प्लीमेंट की प्रोडक्ट में, और तभी वो प्रोडक्ट मैं निगेटिव सोचता था कि समझो ये फेल हो गया और बच्चा अंदर है, तो बच्चे को क्या होगा, क्या होगा, ये होगा, ये फेल हो गया, तो ये सब प्रोबेबिलिटीज कंसिडर करके मैंने वो डिज़ाइन किया था. इसलिए वो अभी भी प्रोडक्ट जो 91 में लिया मशीन, और भी 2024 में आज भी चालू है मशीन. सो आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी. जब तक कॉन्फिडेंस नहीं रहता, मैं तब तक प्रोडक्ट मार्केट में नहीं लाता. बिकॉज ये किसी के लाइफ के साथ खेल है. यू कैन नॉट प्ले विथ लाइफ ऑफ एनीबडी. वो काला हो, गोरा हो, बड़ा हो, अमीर हो, छोटा हो, गरीब हो, अमीर. मेरा ये फिलॉसफी है, जो भी चाहने वो चाहने, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट लाइफ. मैं बताना चाहूंगी कि सुधीर वाघमारी जी को US के एक यूनिवर्सिटी ने उनको ऑनररी PhD डॉक्टरेट दिया है. ऐसे बहुत कम लोग होते हैं. आपने जिस जमाने में, जिस समय पे काम शुरू किया, तब बहुत आसानी से एक्सपोर्ट्स वगैरह नहीं होते थे. आपका पहला एक्सपोर्ट कौन सा प्रोडक्ट था और कौन से देश में था, और फिर कैसा एक्सपांशन होते गया? पहला एक्सपोर्ट हमारा एक मुंबई की एक कंपनी है, उनके थ्रू दुबई शारजा में हुआ था जी. वो बेबी इंक्यूबेटर्स ही थे. फिर उसके बाद में हमारा
डायरेक्ट कांटेक्ट चालू हो गया ये तो गवर्नमेंट से, चेंबर ऑफ कॉमर्स से। तभी तो इतना एक्सपोजर नहीं था, इंटरनेट आ जाएगा ऐसा कुछ नहीं था। जो भी एड्रेसेस मिलते थे उसको हम लोग लेटर डालते थे, ब्रोशर कुरियर कुरियर या ये करते थे पैक्स, तो वैसे होता था। फिर बाद में छोटे अपने नियर बाई कंट्रीज है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, ये सब जाने लगे। बाद में फिर तो रोटरीज के हमारे फिर अफ्रीकन कंट्रीज में काफ़ी गए हमारे। इट स्टार्टेड, एक बार नाम हो गया हमारा, इट स्टार्टेड एवरीवेयर। और इम्पोर्टेंटली जैसे सुश्रुत ने कहा कि प्रोबेबली वी आर द ओनली कंपनी, इंडियन मेडिकल कंपनी, वो एक्सपोर्ट मेडिकल इक्विपमेंट टू अमेरिका। करेक्ट, एक आज तक उल्टा था कि अमेरिका से इंडिया में प्रोडक्ट आता, इंडिया में लेते थे। फर्स्ट टाइम 2019 से ऐसा हुआ कि अभी इंडिया से अमेरिका में प्रोडक्ट जा रहा है। सो एज ए इंडियन फील, इंडियन आई फील वेरी प्राउड एंड हैप्पी अबाउट दैट। और ये था कि आपके लिए मुश्किल भी रहा होगा, क्योंकि जो भी आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा, मुझे तो सबसे पहले उन डॉक्टर्स का भी कमाल लगता है जो पीडियाट्रिशियंस होते हैं, क्योंकि उनके जो मरीज है वो कुछ नहीं बोल पाते हैं, वो समझ के उसको ट्रीट करना है। और आपको भी आपका जो जो आप जिस प्रोडक्ट के बारे में आप इतना पैशनेटली बोलते हैं, वो बच्चों के लिए जो नियोनेटल वेंटिलेटर्स हो या ये, तो ये बनाना और इसमें प्रिसीजन, तो आपकी रिसर्च टीम क्या थी, आपने ये प्रोडक्ट कैसे हो, इसकी जो डेवलपमेंट उसका रिसर्च वो कैसे किया? एग्जैक्टली मैं भूल गया, आपने आपने बराबर वही पॉइंट किया। मैंने पहले जो बोला था ना कि बच्चों को मैं आई यूज टू इमेजिन कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, इसलिए आई टू ज़्यादा प्रिकॉशन लेता था मैं। सेम मैं वही हमेशा डॉक्टर को बोलता था या बाकी के लोगों को बोलता कि समझो अपने को कुछ हो गया तो हम लोग चीख के बोल सकते कि यहाँ पेन हो रहा है या पी हो रहा है, बच्चा कुछ नहीं बोल सकता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इस पेन, उसको कुछ ना हो, इसलिए आपको ओवर कॉशियस होना चाहिए। इसलिए एक मेरा एक पैशन था कि आई हैव ऑलवेज लाइक टू स्टे वन स्टेप अहेड ऑफ हूएवर इन माय कॉन्टैक्ट, ही मे बी द डॉक्टर और मे बी माय कॉम्पिटिटर। तो जो भी रिसेंट स्टडी रहेगा मेडिकल में रहेगा इन रिलेटेड टू माय प्रोडक्ट, नॉट टू मेडिकल अदर प्रोडक्ट, करेक्ट, दैट इज रिलेटेड टू माय प्रोडक्ट, उस पर जो लेटेस्ट है, जो रिसर्च है वो मुझे पता होना चाहिए। रिलीजियसली फॉलो किया मैंने आज तक का। तो दूसरा जो मेडिकल इक्विपमेंट में जो डेवलप होता है वो भी मुझे मालूम होना चाहिए। अभी यूएस में क्या रिसर्च चल रहा है, कौन से प्रोडक्ट पे चल रहा है वो मैं मुझे पता है, और मैं क्या कर रहा हूँ उनको लेकिन पता नहीं। आई एम वर्किंग ऑन दैट, सो दिस इज द वे यू हैव टू कीप अपडेटेड। तो इसके लिए आपको पढ़ाई के अलावा एंड योर फोकस, सिंगल पॉइंट फोकस और कुछ नहीं। अभी रिसर्च जो है ऐसा नहीं कर सकता कि मैं तू थोड़ा ये कर, तू थोड़ा ये कर, तू ये, इट कैन नॉट बी डन इन दैट। इफ यू हैव टू डेवलप प्रोडक्ट बिकॉज इट्स अ लाइफ सेविंग डिवाइस, जी बिल्कुल, एंड आई डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस। इट्स माय ब्रेन चाइल्ड, मुझे पता है क्या होता है, आई हैव द एक्सपीरियंस, सो आई विल डू इट ऑन माय ओन। इफ समथिंग इफ आई डोंट नो आई विल से सुशोत यू डू इट, दैट विल बी हिज ब्रेन चाइल्ड। राधिका जी, फिर आपकी शादी हुई, छोटी फैक्ट्री से एक बड़ी फैक्ट्री बन गई, लेकिन बिजनेस आसान नहीं है, इतने उतार चढ़ाव होते हैं उसमें, और जिसमें गट्स हो वही कर सकता है। तो ये सफ़र के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे जैसे फैक्ट्री, भले ही आप डायरेक्टली काम में ना इन्वॉल्व हो, लेकिन घर में एक यूनिट करके, फैमिली एज ए यूनिट, हम सभी एक हर चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे बढ़ता गया बिजनेस और क्या होता गया, उनके कभी टेंशन बिजनेस के होते थे, वो आप लोग सब कैसे हैंडल करते थे? पहले से ही, शादी से पहले ही हम दोनों ने डिसाइड कर लिया था जी कि मैं घर का देखूंगी और वो बिजनेस का देखेंगे जी। और इसलिए उसमें कुछ हमारे ऐसे क्या झगड़े वगैरह ऐसे कुछ नहीं हुए, कभी भी नहीं हुए जी। और हमारे शादी के 2 दिन बाद ही उनकी कॉन्फ्रेंस थी। कहाँ पर थी? कही थी जी, हाँ, ऐसे नासिक और सोलापुर ऐसे कहीं जी, थी जी। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा कि मैं जाऊँ क्या, फिर हाँ पहले बिजनेस तो पहले इम्पोर्टेंट है ना जी। उन्होंने उनकी पहली प्रायोरिटी हमेशा बिजनेस रही, और मैंने भी खुशी से उनको परमिशन दे दी थी इसके लिए, क्योंकि जब वो हमारे साथ रहते हैं तो पूरा हमारे साथ ही रहते हैं, और पूरा टाइम उन्होंने हमको भी हमेशा दिया है। जब बिजनेस नहीं रहता तो पूरे वो फैमिली के रहते हैं जी।
तो बिजनेस नहीं रहता तब वो पूरी तरह से फैमिली में जहाँ मतलब जहाँ है वहाँ पूरा अपना 100% देना, मैं समझ रही हूँ वो बात, उनका नेचर है। और कभी भी उन्होंने मुझे टेंशन बिजनेस के नहीं बताए, वो खुद बहुत पॉजिटिव है जी और खुद पे बहुत विश्वास है उनका। तो फिर जो भी बहुत ऐसे बिजनेस बोले तो हर रोज का टेंशन रहता है, तो उन्होंने पूरे खुद के हिस्से खुद के बलबूते पर आज तक किया है, मैं समझ सकती हूँ उनकी जो जर्नी है। सुश्रुत, फिर तुमने भी देखा होगा कि उनकी फैक्ट्री बढ़ते हो, भले बच्चे थे आप लेकिन घर में जो चलता है वो बच्चे बहुत ज़्यादा शार्पली समझते हैं, जो बिजनेस में चलता है वो समझते हैं। तो आपको भी लगता था बचपन से कि मैं भी शायद यही बिजनेस ज्वाइन करूं और आगे इसी को बढ़ाऊं? देयर वाज नॉट मतलब देयर वाज नो डाउट कि जब से आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स तब से देयर वाज ओनली वन थिंग कि मैं भी ये बिजनेस ज्वाइन करूंगा जी, एंड देयर वाज नो अदर डाउट। ऐसा कभी हुआ नहीं कि आई थॉट अबाउट डूइंग समथिंग एल्स, क्या मैंने कुछ अलग सोचा, या मेरा था कि आई हैव माय ओन पैशंस एंड ये जी, बट मुझे ये लाइन कंटिन्यू करना है। एंड कभी ऐसा फेज हुआ ही नहीं कि आई थॉट कि मुझे कुछ अलग करना है या आई थॉट कि मुझे ये ज्वाइन नहीं करना है। मुझे पता था कि ही इज अ वेरी बिग फिगर इन हिज फील्ड जी, और उन्होंने ये सब सेट किया है। एंड बचपन से आई ऑलवेज लव डूइंग बिजनेस, तो मुझे बचपन से आई वॉन्टेड टू ज्वाइन दिस ओनली एंड देयर वॉज नेवर अ शैडो ऑफ अ डाउट कि मुझे कुछ और करना है। आप सर जब ये करते थे, जैसे प्रोडक्ट आपने पहला लाया, तो आपका मेथड क्या होता है कि पहले मार्केट की नीड समझ के प्रोडक्ट बनाऊं या मेरा जो पैशन है उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाऊं और वो मार्केट में जाऊं, ये कैसे है आपका? के हिसाब से मेरा पैशन के हिसाब से करता हूं जी। यू क्रिएट योर ओन प्रोडक्ट, ऑटोमेटिकली मार्केट मिल जाएगा, क्योंकि आप जब नया क्रिएट करते हो तो कुछ वो इनोवेटिव रहता है। मार्केट के हिसाब से कभी काम नहीं करता, मैं मेरे हिसाब से काम करता हूँ। और कोविड का जब दौर आया तब एक बहुत मुश्किल दौर से पूरा विश्व ही एक तरह से जा रहा था, ना केवल भारत, और भारत की स्थिति क्या थी कि हमारे पास ना पीपी किट्स थे, ना टेस्टिंग यूनिट्स थे, ना हमारे पास में वैक्सीन के लिए कई सारे लगने वाले रॉ मटेरियल्स थे ऐसे सारे, और सबसे अहम था ऑक्सीजन सिलेंडर्स और वेंटिलेटर्स कि इसकी इतनी कमी थी हमारे पास। तो वो अपने एक बहुत फास्ट ट्रैक इस पे बनाया और आपको बनाया, एक तरह से बुलाया गया, और उसमें आपका दौर कैसा रहा? किसने आपको पहले सबसे कांटेक्ट किया कि आइए देश को अब ज़रूरत है वेंटिलेटर्स की और अब वेंटिलेटर्स बड़ों के लिए बनाइए? तो कोविड के फर्स्ट फेज में जब इंडियन लोगों ने वेंटिलेटर्स बनाए तो मिजरेबली फेल हो गए, तो बाद में डॉक्टरों ने मना कर दिया उसको यूज़ करने के लिए, बट नीड तो इतना इनकी वेंटिलेटर्स का था कि कुछ भी मतलब इम्पोर्ट भी बंद हो गए थे। तो लोगों ने पता चला मेरे बारे में, कहीं दिल्ली से बॉम्बे से सब ने पता चला कि वो इज द पर्सन हु कैन मेक अ गुड वेंटिलेटर और वो इज द पर्सन हु नोज अबाउट वेंटिलेटर। तो बाकी के लोगों ने पहले जो किया तो वो जुगाड़ टाइप वेंटिलेटर थे, दैट वॉज नॉट अ ट्रू वेंटिलेटर। तो सभी को मेरा पता चल गया मेरे नाम का, तो फिर लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया। तो पहले तो मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरा पैशन तो नियोनाटल था, एडल्ट बड़ों के लिए मेरा काम करने में कभी इंटरेस्ट नहीं था, मैं बच्चों के लिए मेरा पैशन था। फिर बाद में जब ये समझ में आ गया पोजीशन कि वेंटिलेटर नहीं आदमी लोग मर रहे हैं, तो आई डिसाइडेड यस आई कैन डू इट। फिर मुझे बहुत लोग कलेक्ट, लेकिन तभी वो परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं काम करूं। तो फिर पुणे के कलेक्टर साहब ने आके हमारी फैक्ट्री खुलवा दी, फिर कमिश्नर साहब ने हमको हमारे वर्कर लोगों को परमिशन दी काम करने को, बट देन देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल एंड मनी, सो लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रुप्स केम अहेड। पर सबसे पहले मुझे हेल्प किया था प्रकाश छिछापरिया ने, फिनोलेक्स केबल, उन्होंने इमीडिएटली मेरे बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए थे और बोला तुम चालू करो वेंटिलेटर बनाना। तो वेंटिलेटर किए, पहला बैच मैंने किया था 50 वेंटिलेटर्स, वेंट टू सदर्न कमांड हॉस्पिटल मिलिट्री। अच्छा, फिर बाद में और सक्सेसफुल हो गए, बाद में हमने बहुत वेंटिलेटर्स दिए एंड ऑल द वेंटिलेटर जो हमने सप्लाई किए आज तक सक्सेसफुली यूज हो रहे हैं, आज तक हम उसको सर्विस कर रहे हैं, आज तक उसको जो यूज कर रहा है कस्टमर हमारे पास आ रहा है, आज भी हम उसको
उसकी देखभाल कर रहे हैं, दैट इज वर्किंग वेरी सक्सेसफुली, यानी उससे काफ़ी बच्चों पेशेंट की जान बची। सो वी आर वेरी हैप्पी कि विद इन 2 or 3 months शॉर्ट स्पैन में हमने एक ऐसा वेंटिलेटर डेवलप किया जो इम्पोर्टेड वेंटिलेटर के इक्विवेलेंट हो इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी, प्राइसेस एकदम कम, एकदम कम। तो वेंटिलेटर की अमूमन प्राइसेस क्या होती है? नहीं, अभी इम्पोर्टेड जो आते हैं 14 लाख 16 लाख 22 लाख तक जाते हैं। हम लोग कोविड में लाया, हम लोगों ने 3.5 लाख रुपए में आए, 3.5 लाख, और हम लोगों ने प्राइस भी नहीं बढ़ाया, जबकि लोग सिचुएशन ऐसी थी कि लोग इतने डेस्परेट थे कि मुझे सुबह फोन आते थे जी कि सर मेरी माँ बीमार है, मेरे पिताजी बीमार है या मेरे भाई बीमार है, मैं कैश लेके आता हूँ, 5 लाख लेके आता हूँ, मुझे वेंटिलेटर दे दो, मैं अभी आपको कैश देता हूँ, मैं इतना पैसा देता हूँ। मतलब नहीं, मेरी कीमत 3.5 लाख रुपये है, उतना ही रहेगी और उससे ज़्यादा भी नहीं चाहिए, और मैं ये आई एम नॉट डूइंग दिस, मैं पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, पैसा कमाने के लिए मेरे बाकी के प्रोडक्ट्स है मेरे पास बहुत, ये आई एम डूइंग दिस फॉर द नेशन, ये सबसे मैंने किया। बहुत अहम बात आपने कही, क्योंकि देखिए दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ कि हमने आपने सबने वो खबरें उस समय पे उस दौर में पढ़ी होगी जहाँ पे रेमडेसिविर का एक इंजेक्शन ब्लैक में बिका जाता, बेचा जाता था, कई लाखों में उसकी कीमत चली गई थी और लोग उसके लिए रैली कर रहे थे। ऐसे समय पे एक जो एथिकल बिजनेस करते हैं उनका नज़रिया, उनका रवैया क्या होता है, ये बहुत सीखने जैसी बात है कि इन्होंने कीमत नहीं बढ़ाई और कम से कम समय में देश जब एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था तब वेंटिलेटर का प्रोडक्ट बनाया, वो सक्सेसफुल बनाया। और देखिए सर, आपने कहा कि आप पहला बैच जो है आपका वो कमांड हॉस्पिटल में गया, तो यहाँ पर तो मिलिट्री के भी अपने पैरामीटर्स होते हैं और वो सारे पैरामीटर पे खरे उतरे बगैर वो जनरली ये नहीं करते। तो प्राइस आपने जो तय की थी वो विदेश की तुलना में, मैं आपको बताऊँ, 20% सिर्फ केवल प्राइस वो थी जिसमें ये अपने वेंटिलेटर बनाकर बेच रहे थे। फिर आपने पेटेंट जो लिया वो किस प्रोडक्ट के लिए लिया, क्योंकि आप पेटेंट के रिजिम में भी अभी आ गए हैं? नहीं, मेरे 3 प्रोडक्ट का पेटेंट है जी। सबसे पहला पेटेंट है वो ह्यूमन मिल्क पाश्चराइजर, जो मदर का मिल्क पाश्चराइज करके दूसरे बच्चों को देके उसकी जान बचा सकता है, और वो मिल्क पाश्चराइज होने के बाद अगले 6 महीने तक स्टोर रहता है, वो एक प्रोडक्ट है, उसका नाम है किमी, उसका एक पेटेंट है। फिर दूसरा पेटेंट हमने फोटोथेरेपी करके है, उसका ये प्रोडक्ट के लिया है, जो बच्चों को जॉन्डिस होता है इमीजिएटली आफ्टर बर्थ, वो प्रोडक्ट पिछले 50-60 साल से बन रहा है, 80 साल से, लेकिन उसमें कुछ इनोवेशन है ही नहीं। जैसे 1960 में जो ऐसा प्रोडक्ट बन रहा था वैसे भी आज बन रहा है, बस बाहर का शेप साइज बदल गया है, टेक्नोलॉजी वही की वही हुई। उसमें हम लोगों ने इनोवेशन करके हम लोगों ने लेंसेज लगाए, एंगल्स लगाए, उसको पैनल्स के डायमेंशन के, उसका एक पेटेंट लिया। और तीसरा भी लिया एक बबल सी पैक करके, जो बच्चों को सांस, जो बच्चों की सांस की तकलीफ होती है उसके लिए, वो नॉन इन्वेजिव मतलब शरीर के अंदर कुछ ना जाए, बाहर से बाहर आप उसको ट्रीटमेंट दें। तो जब मैं कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहा था तो मुझे हमेशा ये करना पड़ता था, हमेशा ब्लड टेस्ट करो, फिर बाद में इंजेक्शन लो, फिर कीमोथेरेपी का इंस्पीरियर हो। तो आई वाज थिंकिंग कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि पेशेंट को तकलीफ ना हो लेकिन वो ठीक तरह होना चाहिए, तो वो हिसाब से आई वाज थिंकिंग। और ये हमने बबल सीपैक भी एक मशीन जो पहले से बनता है जी, 30 साल से बनता है जी उसमें, लेकिन वही बात है 30 साल में नया कुछ नहीं बना, नया कुछ नहीं, ना अमेरिका में बना, ना जर्मनी में बना, ना इंडिया में बना। उसके ऊपर मैंने रिसर्च किया और जो अभी जो पेटेंट किया वो अभी एवरीबॉडी इज बिहाइंड इट, इतना सक्सेसफुल है कि उसको पेटेंट तो मिल ही गया है और एवरीबॉडी डॉक्टर इज अप्रिशिएटिंग दैट। तो ये तीसरा पेटेंट है मेरा। मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि जब आप ये सब कर रहे थे तो कभी हम ऐसे किसी मेहमान से रूबरू होते हैं जो एक अनवांटेड मेहमान होता है, जो आपके यहाँ पे कैंसर के तौर पर आ गया, तो उसके साथ आपको दो हाथ करने थे। जनरली ये शब्द सुनते ही लोग डर जाते हैं, पूरे परिवार भी एक तरह से एक अलग माहौल में चला जाता है। तो जब आपने ये सुना तो क्या थॉट्स थे, कैसे आपने उसके ऊपर अपना ट्रीटमेंट
या अपने आप को पॉजिटिव रखना, सकारात्मक रखना, ये कैसे शुरू किया? नहीं, ये मुझे ये कैंसर सेकंड टाइम हुआ था जी, सिर्फ सेकंड टाइम आई एम गोइंग टू दैट। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हुआ था कैंसर, तभी मैंने बोला था कि जो चीज़ मेरे हाथ में है जी, उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ जी। यू कैन कंट्रोल व्हाट इज कंट्रोलेबल, यू कैन नॉट कंट्रोल व्हाट इज नॉट कंट्रोलेबल। तो मेरे हाथ में कंट्रोल जो था कि जो डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहा है उसको ट्रीटमेंट लेना है, पॉजिटिव अप्रोच रखना है, एंड दिस इज अ टेम्पररी फेज जी, निकल जाएगा। और है कैंसर है तो आई कैन नॉट डिनाई इट, मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता मुझे कैंसर नहीं है, है मेरे पास कैंसर, सो ओके डॉक्टर इज एक्सपर्ट, ही विल ट्रीट मी, उसको उसका काम करने दो, मैं मेरा काम करता हूँ। तो आई टुक इट इन दैट वे, और तभी मैं काम करता था। सो आई टुक इट लाइक एनी अदर डिसीज, बाकी जैसा डिसीज रहता है वैसे। नॉर्मली लोग क्या होते हैं कि नाम सुन के ही डर जाते हैं जी। मैंने बोला ठीक है ना, कैंसर है तो ठीक है, उसकी इलाज भी है उसके ऊपर, अभी इतना साइंस इतना बढ़ रहा है, मुझे डर वर कुछ नहीं था। एक्चुअली माई वाइफ कैन टेल यू बेटर जी, बिल्कुल मैं उनसे ही पूछने वाली हूँ जी। बोलिए कि आपने जब ये पहली बार सुना और उसके बाद में आपका ये क्या था, क्योंकि सर के इसमें मैंने जिक्र भी देखा कि आप अक्सर उनके साथ में हॉस्पिटल में जाके किस तरह से पूरा वो ट्रीटमेंट के दौरान पूरा परिवार का क्या था। मार्च 2019 में उनको डिटेक्ट हुआ कैंसर जी। उसके पहले 2 महीने उनको खाने को नहीं आता था, ऐसा एक भी ऐसा कुछ खाया थोड़ा सा तो उल्टी हो जाती थी। पहले हमको लगा एसिडिटी है, ऐसा करके हमने टैबलेट्स दिए। फिर एक दिन उनको इतनी तकलीफ हुई कि वो खुद जाके टेस्ट करके आए, तो फिर डायग्नोसिस हो गया। तब वो औरंगाबाद में थे जी, वो किमी का ही रिसर्च चल रहा था उस टाइम। तो उनको बहुत पैशन है ना काम के लिए जी। ठीक है, डायग्नोसिस हो गया कैंसर है, ठीक है कैंसर है तो है, डॉक्टर के ऊपर छोड़ देते हैं हम, वो मुझे अच्छा कर देंगे। ऐसा खाने को बिल्कुल नहीं आता था, ऐसा एक गोली भी ली तो ऐसे अटक जाती थी उसमें, ऐसा आइसक्रीम ऐसा थोड़ा सा कुछ तो भी खाते थे। 8 महीने वैसे ही उन्होंने किया, बिल्कुल ऐसा डबल छान के देना पड़ता था उनको मुझे। और फिर उसके बाद कीमोथेरेपी वगैरह सब चालू हो गई। तो कीमोथेरेपी के टाइम भी हॉस्पिटल में जाते थे तो ऐसा चल के ऐसा जाते थे कि जैसे कुछ नहीं हुआ है, जाके ऐसा वेट करना, बीपी ले लो मेरा, कहाँ पे सोना है मुझे, और लैपटॉप निकाल के ऐसे बैठ जाते थे और कुछ तो भी कॉमेडी सीरियल या तो फिर काम का ऐसा करके, और कॉमेडी सीरियल देख के हंसते थे। डॉक्टर भी आके दिखाते थे कि देखो ये कीमो का पेशेंट है, इनसे कुछ सीख लो। और ऐसे तीन दिन की कीमोथेरेपी रहती थी। तो उस टाइम नहाने के लिए भी जाते थे तो फिर गाने गाते थे बाथरूम में। अच्छा। मैं उनको बोलती थी अरे तुम्हारी ट्रीटमेंट चल रही है मत गाओ। फिर क्या हुआ, मुझे गाना है, ऐसा इतने पॉजिटिव थे। और उसकी वजह से वो जल्दी ठीक हो गए, ये मेरा पूरा विश्वास है। और कैंसर बोले तो सबको सुन के ऐसा लगता है ना, मेरी माजी सास भी थी तब, तो सबको बहुत ये लगा, ससुर जी को हमने बताया नहीं था, बच्चे तो रोने लगे कि ऐसा कभी देखा ही नहीं था कि बाबा ऐसे सोए हैं, कि उनको कुछ हुआ है तो अभी कैसा हो जाएगा। तो फिर हमने डिसाइड कर लिया कि अब तक इन्होंने हमारे लिए इतना किया है, अभी हमको उनके लिए करना है। तो घर का एटमोसफियर बहुत हेल्दी, और ऐसा कुछ दिखाना ही नहीं चाहिए कि कुछ हुआ है, नॉर्मल जी। और वो भी वैसे ही थे, सब काम कर रहे थे। कीमोथेरेपी थेरेपी के बाद 2 इंजेक्शन रहते हैं WBC के जी, वो लेने के बाद फैक्ट्री में जाते थे। सब फ्रेंड्स उनको मिलने के लिए आते तो ये खुद सामने जाके आओ आओ ऐसा करते थे। सबको बहुत ये लग रहा था उनका। और 33 रेडिएशंस और 16 कीमोथेरेपी और उसके बाद डायलिटेशन वगैरह बहुत रहता है, लेकिन वो रेडिएशन के बाद तब भी उनको खाने के लिए खाने को नहीं आता था, क्योंकि रेडिएशन से इसोफेगस में उनको कैंसर था जी। तो रेडिएशन से वो पूरा श्रिंक हो जाता है इसोफेगस जी जी। तब भी वो US गए थे 15 दिन के लिए किमी के प्रमोशन के लिए। और आने के बाद डायलिटेशन 4-5 बार हुआ, 4-5 बार हुआ, और जनवरी 2020 में उनकी ट्रीटमेंट खत्म हो गई पूरी। लेकिन वो पूरी ट्रीटमेंट में इतने पॉजिटिव थे, उनको खुद को खाने को नहीं आता था, लेकिन हमारे लिए वे अनेक अलग अलग डिश बनाते थे और कुछ कुछ मसाले, उनको खाना बनाने का बहुत शौक है, नॉनवेज की बहुत तरह के डिशेस वो बनाते हैं।
हम सबके लिए बनाते थे, तुम खाओ मुझे नहीं आता तो क्या हुआ, ऐसा. और वो पॉजिटिव इसके वजह से वो बहुत जल्दी बड़े हो गए. उनको इतनी तकलीफ होती थी लेकिन उन्होंने कभी भी चेहरे पे कुछ नहीं दिखाया हमको, क्योंकि हम डर जाते थे, मम्मी है, हम सब है. इसलिए सुश्रुत, ये दौर आपके लिए भी मुश्किल रहा होगा, आपको, आपकी बहन के लिए भी, तो लेकिन आपको सीख भी बहुत बड़ी मिल गई है शायद इस दौर में. आपसे सुनना चाहूंगी मैं. मेरा जस्ट 12th का बोर्ड एग्जाम हुआ था जी, एंड इन 2020. तो फिर आई रिमेम्बर जब जिस दिन रिजल्ट आया था, मैं यहाँ पे बैठा था, आई वाज हियर. एंड तब तक मतलब एक जस्ट व्हेन माय एग्जाम्स गॉट ओवर मुझे पता चला कि ऐसा कुछ है. वी वर सिटिंग देयर, आई रिमेम्बर, एंड मुझे मम्मा ने बताया था कि ये सब चालू है एंड ये सब है. एंड फर्स्टली मी एंड माई सिस्टर, वी डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट कि क्या करना है. एंड इट्स अ वेरी सडन न्यूज, करेक्ट, बिकॉज हमें दिख रहा था कि ही इज गोइंग थ्रू समथिंग, कि कुछ हो रहा है, बट यू नेवर एक्सपेक्ट दिस. एंड इट वॉज अ बिग शॉक, मतलब मुझे भी एंड माई सिस्टर आयशू, हम दोनों को भी बहुत सडन न्यूज थी ये. कैसे रिएक्ट करना पता नहीं, मतलब शी वॉज ट्राइंग टू होल्ड हर सेल्फ. तो एट दैट पॉइंट इफ मी एंड आयशू, हम बोथ ने भी रोना चालू कर दिया, तो इट वुड हैव बीन अ वेरी डिफिकल्ट फेज घर में. बिकॉज अभी एज ही सेड हो गया है, सो यू कैन नॉट डिनाई इट और यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट. तो करना था. एंड शी केप्ट वेरी स्ट्रॉन्ग, माई मम्मा और माई सिस्टर, करेक्ट, दे केप्ट वेरी स्ट्रॉन्ग. और उन्होंने ऐसा एटमोसफियर किया, स्पेशली हिम, ऐसा एटमोसफियर के घर में कि देर वॉज नॉट अ सिंगल शेड कि यार ये ठीक नहीं होगा. वी ऑलवेज न्यू, एंड मतलब किसी को ये डाउट ही नहीं था कि इट वॉज नॉट गोइंग टू गेट बेटर. करेक्ट, हम सब वर ऑलवेज श्योर. एंड मेन क्रेडिट गोज टू हिम एंड टू हर कि उन्होंने कभी ऐसा होने ही नहीं दिया कि घर में ऐसा एटमॉस्फेयर होने ही नहीं दिया कि यार इनको कुछ तकलीफ हो रहा है. व्हेनेवर वी अंडरस्टूड दैट ही इज गोइंग थ्रू समथिंग, उनको खाने को नहीं आता था. आई रिमेम्बर मी एंड हिम ऑलवेज सिट फॉर लंच टुगेदर सिंस आई वाज अ किड. करेक्ट, एंड वहां पे बैठने के टाइम आल्सो आई रिमेम्बर ही यूज्ड टू ईट समथिंग एंड इमीडिएटली रश टू द वॉशरूम टू वॉमिट, बिकॉज वो जाता ही नहीं था अंदर. ट्राई टू यू नो ड्रेन इट विद अ लॉट ऑफ वाटर, खाने के बाद इमीडिएटली बहुत पानी पीना कि निकल जाए, बट वो हो ही नहीं पाता था बिकॉज ही यूज्ड टू इमीडिएटली गो एंड स्टार्ट कॉफी. So very weird phase, very difficult phase, but from their positive attitudes, and you know, ये दोनों तो हमेशा रहते थे, me and Aisha used to be home. तो उसने भी कभी और मैंने भी कभी, we didn't make a public announcement कि ऐसा है, correct, and we refused to talk about it. Correct. कि ऐसा ही था कि we had gotten clear instructions from my mother, right, and my father कि you don't discuss these things. Correct. कि ये चीजों के बारे में बात करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला, यू आर गोइंग टू ओनली गेट पैनिक्ड, डोंट टॉक अबाउट इट, गो ऑन विथ योर लाइव्स, एंड दैट्स इट. दैट्स हाउ वी गॉट थ्रू इट. मेजर कंट्रीब्यूशन इन दोनों का है, हमारा तो वी जस्ट डिड व्हाट दे आस्क्ड अस टू डू, बट मेन थॉट प्रोसेस इज देयर. राधिका जी, आपने कहा कि बहुत अच्छा पकाते हैं, कौन सी चीज है जो आपके लिए पका के खिलाते थे? मटन बहुत अच्छा बनाते हैं जी, मटन के. आप नागपुर से है और नागपुर का जो फ्लेवर होता है, हाँ, सावजी, वराड़ी, सब. अच्छा. और उनको बहुत ऐसा सीखने वाले हैं, कुछ छोटी चीज से वो सीखते हैं, जैसे हमेशा वो चैनल्स पे वगैरह देखते हैं, रेसिपीज ट्राई करते हैं. अच्छा. बहुत उनको पसंद है वो छोटी छोटी चीजों में. अगर होटल में भी गए ना तो फिर देख बोलते हैं, अरे ये ऐसे उन्होंने बताया कोल्हापुरी, लेकिन ये कोल्हापुरी नहीं बनाया. अच्छा. ऐसा. तो आपको खाना बनाने का, एक तरफ आप जो बना रहे थे वो जिंदगी देने वाला वेंटिलेटर्स बना रहे थे, बच्चों के हो चाहे ये हो, और हम अन्न को पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, वो भी हमारे लिए अन्न भी जीवनदायी है. तो ये कैसे शौक लगा आपको कि खाना बनाऊं मैं ये चीजें बनाऊं? नहीं, मुझे अच्छे खाने का शौक है, मैं कम खाता हूँ जी, लेकिन अच्छा खाना लगता है. सो व्हाटएवर आई ईट उसमें टेस्ट होनी चाहिए अच्छी तरह से, नमक मिर्ची जो भी है. मैं हमेशा बोलता हूँ तुम पत्थर का रसम बनाओ यार, लेकिन उसमें नमक मीठ अच्छा रहेगा ना तो अच्छा लग जाएगा. तो देखो, क्रिएटिंग न्यू इक्विपमेंट और क्रिएटिंग अ न्यू फूड डिश, क्रिएटिविटी दोनों में जी, इमेजिनेशन दोनों में, यू हैव टू थिंक. ऐसे स्टैंडर्ड के जो है हाथ में लगाया डाला, एक ही टेस्ट आएगा. सो जब व्हेन आई डू अ सर्टन मसाला, आई थिंक
धनिया डाला, धनिया से क्या होता है, जीरा डाला तो ब्लैक पेपर से क्या होता है, सो यू हैव टू स्टडी उसका हर इंग्रेडिएंट्स का, वो क्या स्वाद देता है, क्या फ्लेवर देता है, वो अकॉर्डिंग से हिसाब से सोच सोच के उसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके, सो दैट इज अगेन अ क्रिएटिविटी जी बिल्कुल, जो मैं मेरे इक्विपमेंट में करता हूँ, आई ट्राई एंड क्रिएट स्मॉल स्मॉल थिंग, स्मॉल थिंग्स मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, रिमेंबर, करेक्ट, छोटा सा मैंने इतना ये किया तो मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, करेक्ट, सबसे कॉमन सेंस इज मोस्ट अनकॉमन, तो मैं समझो दाल बना रहा हूँ, दाल में मैंने थोड़ा सा एक अलग किया, इट टेस्ट डिफरेंट, इट्स सो थोड़ा, दिस इज द सेम थिंग, कॉमन सेंस मैंने यूज करके, सो मेकिंग इक्विपमेंट मेडिकल और डूइंग गुड फूड, न्यू डिश, यू क्रिएट क्रिएटिविटी, और यहाँ की क्रिएटिविटी है, मुझे काम करना अच्छा लगता है। तो आप इतने देश विदेशों में भी घूमे हैं, आप जगह जगह पर गए हैं, आपको फूड ज़्यादा खाना पसंद कौन सा है? नहीं, मुझे मैं टिपिकल दाल, दाल चावल, रसम, अच्छा, राइस, साउथ इंडियन फूड, महाराष्ट्रियन फूड, आई लव दैट, स्पेशली, और महाराष्ट्रियन फूड में मतलब हमारे दाल चावल भाकरी बैंगन की सब्जी, और रसम साउथ इंडियन में रसम चावल इडली, बस नॉनवेज तो मतलब खाता हूँ, इतना इतना खाता हूँ, ग्रेवी में ज़्यादा इंटरेस्ट। और इसके अलावा मतलब मैंने देखा आपके फैमिली का एक यूनिक बॉन्ड है, तो इसके अलावा आपको साथ में कौन सी चीज़ें करना पसंद है कि जो आप सर पूरी परिवार बैठ के साथ में करते हैं, क्या मूवीज देखते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, क्या होता है? काम करते हैं, काम करते हैं, ओनली थिंग, ओके, ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं, हाँ, सबको सबको पसंद है। तो सुश्रुत, मैं आपसे अभी जानना चाहूंगी कि अभी आपका जो बिजनेस है उसमें कदम रखा है आपने कुछ साल से, और बहुत विनम्रता से कहा है कि मुझे बहुत कम चीजें पता है, ये सबसे अहम चीज है कि मुझे क्या पता नहीं है, मैं खुद को एडमिट करूं पहले तो मैं नई चीजें सीख सकता हूं। तो आपका क्या सपना है, क्योंकि पापा ने एक बहुत अच्छे विजन से, अच्छे मिशन से कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं, आपने उनको देखा है, उनका प्रोसेस देखा है, वो कितनी मेहनत उसमें डालते हैं वो देखा है, तो आपका विजन कहाँ है, क्या है कि ये कंपनी को मैं कहाँ ले जाऊंगा? मेनली तो ऐसा है कि आई वॉज थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू नो एक्सपोर्ट और ये सब, बहुत कंट्रीज में ऑफिस होने चाहिए एंड ये सब, बट एक फ्यू डेज बैक आई अंडरस्टूड कि इंडिया में ही बहुत ह्यूज मार्केट है, सो द ड्रीम इज टू हैव 100% ऑफ इंडिया, दैट्स द प्राइमरी ड्रीम, कि बट नॉट जस्ट इन अ फ्यू प्रोडक्ट्स, इन ऑल प्रोडक्ट्स, माई ड्रीम इज टू हैव 100% ऑफ इंडिया, मतलब पूरा, एवरी स्टेट इन इंडिया शुड हैव अ प्रॉपर शोरूम, प्रॉपर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट्स द एम दैट आई हैव, एंड बाकी सब इज फाइन बाकी कंट्रीज में, एंड आई रिसेंटली ट्रेवल टू अ कॉन्फ्रेंस वेयर आई अंडरस्टूड कि सब लोग इंडिया में ही आने का ट्राई कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज सच अ ग्रोइंग मार्केट, एंड इफ यू लुक एट स्टेट्स द रेट ऑफ हॉस्पिटल इन आर फील्ड स्पेशली द हॉस्पिटल्स द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज गेटिंग डेवलप्ड ये सब इंडिया में ही सबसे ज्यादा है, सो इंडिया इज अ बिग मार्केट एंड माय ड्रीम इज टू कैप्चर 100% ऑफ दैट मार्केट, दैट्स द प्राइमरी ड्रीम। सर, आप अभी एक के बाद एक आप जरूरत देखते हैं या आपके पैशन के प्रोडक्ट बनाते हैं, मैं आपको अगर पूछूं कि, क्योंकि अपना हर बच्चा तो माँ बाप को प्यारा होता ही है, क्योंकि हर बच्चे की अपनी अहमियत होती है, लेकिन एक कुछ होता है कि जो एक्स्ट्रा स्पेशल, तो वो आपका एक्स्ट्रा स्पेशल क्या है? मतलब प्रोडक्ट के बारे में? जी, प्रोडक्ट के बारे में पूछती हूँ और फिर बाकी पूछूंगी। एक्स्ट्रा स्पेशल जो न्यूनेटल वेंटिलेटर जो है ना, तो वो बहुत, वैसा देखा जाए तो बहुत कठिन काम है जी, आज तक इंडिया में आज अभी तक कोई नहीं बना था, बना अभी बना इतनी कोशिश की, लेकिन मैं जब बोलता हूँ कि क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल, वो हिसाब से मैं कहूँ, तो वो जो मैं हम लोगों ने बनाया है मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, उसके साथ मेरा अकेला का ये नहीं है, और टुगेदर ग्रुप टीम हम लोगों ने किया है, उसमें हम लोगों ने जो ऐसा चीज़ें की है कि सब जो बच्चा सांस नहीं लेता है तो मशीन उसको सेंस करता है, बच्चा सांस नहीं ले रहा है तो मशीन वार्न करता है पे डॉक्टर को कि देखो बच्चा सांस नहीं ले रहा है, तुम आके कुछ करो, लेकिन समझो डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, सुबह के 2 बज गए हैं तो क्या करोगे, तो मशीन वार्न करता है, उसको अलार्म देता है, 3 बार अलार्म देने के बाद भी डॉक्टर या नर्स नहीं है,
तो मशीन है ना, बच्चे को आगे के मोड़ पे लेके जाता है जहाँ पे मशीन मशीन सांस भी देता है और बच्चे ने सांस लिया तो बच्चे को सांस भी देता है, उसको ऑटो मोड बोलते हैं उसको। तो मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि यूजर फ्रेंडली थी, जितना बच्चे को ज्यादा यूजर पेशेंट यूजर फ्रेंडली करो मशीन, उतना बच्चे को मशीन से बाहर आने में ज्यादा फायदा होगा। सो ये जो टेक्नोलॉजी हम लोगों ने ऑटो मोड्स बोलते हैं उसको जी, वो मैंने मतलब हमारे हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया अपने मशीन में, जिसकी वजह से डॉक्टर के भी और पेशेंट को भी आसानी हो जाती मशीन यूज करने में। और कहीं ना कहीं उसका एक्सटेंशन जब कोविड के दौरान आपने बड़ों के लिए वेंटिलेटर्स बनाना शुरू किया तो वहाँ आप इतने रीजनेबल प्राइसेस में वाजिब कीमत में दे पाए लोगों को, और कितने बनाए आपने और अभी आपका जो कैपेसिटी है फैक्ट्री का वो कितना है? नहीं, कैपेसिटी तो 400 पर मंथ बना सकते हैं हम लोग जी, लेकिन अब हुआ क्या कि कोविड के बाद है ना, सब लोगों ने इंटरनेशनल कंपनीज ने इतना प्रोडक्शन बना के रखा था कि नाउ एवरीबॉडी इज डंपिंग द प्रोडक्ट इन इंडिया, तो एकदम डिमांड तो एकदम कम हो गया। फिर भी हमारे हिसाब से हम लोगों ने तो कभी मतलब वही फोकस करके काम नहीं किया था जी, बिल्कुल। तो हमारा हम लोग जो बनाते वो अभी हम आसानी से हम लोग सेल कर सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। और फिर खाना बनाने के अलावा आपको क्या और शौक है जो बहुत पसंद करते हैं, या आपका मी टाइम रिलैक्सिंग टाइम क्या होता है? मैं बोल रही हूँ हिंदी म्यूजिक जी, और इसमें फार्मिंग में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, जीरो बजट फार्मिंग करके जो है, जो जो भगवान श्री कृष्ण ने जी किया था जी, जो गोवर्धन पर्वत उठाया था उसके पीछे कहानी अपने को अलग बताई जाती है, एक्चुअल कहानी अलग है, वो बड़ी लंबी कहानी वो इंटरव्यू में नहीं बता देता, लेकिन उसका सीधा सीधा ये कैंसर है कि जो देसी गाय है इंडियन काउ उसका क्या बोलते हैं काऊ डंग गोमूत्र और गुड़ और मिट्टी डाल के एक फर्टिलाइजर बनता है जिसको जीवामृत बोलते हैं, दैट इज गुड टू इंस्टिगेट द बैक्टीरिया सॉरी द अर्थवर्म्स व्हिच आर 1000 फीट बिलो द ग्राउंड। तो वो टेक्नोलॉजी यूज करके मैंने एक फार्मिंग किया, तो मेरे फार्म में 4 बोर है, 4 ही बोर को पानी नहीं है, बट नाउ यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी इट्स अ जंगल देयर। ओके, दैट इज माय पैशन, वहां पे फूड भी प्रिपेयर करता हूँ, ओल्ड सॉन्ग्स ये भी, सो आई डोंट सिट लेजी, कुछ ना कुछ चालू ही रहता है। तो ये बाथरूम में गुनगुनाते हैं, इनको म्यूजिक का शौक है, आप भी गाते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। अच्छा गाती है, मैं बाथरूम सिंगर हूँ, इज अ गुड सिंगर। तो इनको जब देखते हैं कभी चांदनी रात में, कभी टेरेस पे घूमने जाते हैं, तो कौन सा गाना दिल में आता है आपकी? वैसे तो बहुत गाने आते हैं दिल में, लेकिन हम दोनों ऐसे मिलके बहुत पुराने सॉन्ग्स सुनते हैं रात को टेरेस पे बैठ के, और इनको तो बहुत ही इनकी पैशन है वो भी जी, पुराने सॉन्ग, और इन्होंने मदन मोहन के प्रोग्राम भी किए हैं, मदन मोहन इनके फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर है, तो उनके बहुत प्रोग्राम भी उन्होंने किए हैं। तो कोई गाना सुनाइए गुनगुनाइए। ओके, तो फिर अभी आप बेटी बेटा ये सारा परिवार है, और एक फैमिली का भी ड्रीम होता है, एक इंडिविजुअल हर किसी के सपने होते हैं, इस जैसे सुश्रुत का बिजनेस का है, तो सर तो एक लंबे मिशन के साथ में जुड़े हुए हैं और इसमें कई सारा काम करते रहेंगे, एक फैमिली के भी कुछ गोल्स होते हैं, तो आपको क्या क्या करना है? हमको सबको एक साथ बहुत घूमना है जी ट्रैवल करना है बहुत एक साथ, ये मेरा तो वही ड्रीम है, और हमारा फार्म हाउस है यहाँ पे 22 किलोमीटर्स यहाँ से, वहाँ पे जाके रहना है हम दोनों को, जिसकी शादी होने के बाद हम दोनों वहाँ जाके रहने वाले हैं। वानप्रस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम। सर एक हम एक बिजनेस हो चाहे जिंदगी का सफर, जब ये कर देते हैं, और आपने बड़ी प्यारी सी हेयर स्टाइल खुद से कर ली है जो भरत दाभोलकर की हेयर स्टाइल है, तो ये जब होता है निचोड़ आप जिंदगी का अगर बताना चाहे कि ये मैंने सीखा,
जिंदगी से ये मैंने सीखा जो मैं बता सकता हूँ? नहीं, इतना बड़ा तो नहीं हूँ मैं किसी को उपदेश कर नहीं बिल्कुल, लेकिन मैं सलाह के तौर पे नहीं बोलूंगी, एक फ्रेंडली जिसे बात होती है उस तरह से क्या बता पाओगे आप? नहीं, एक्सेप्ट व्हाटएवर कम्स टू यू, ओपन है, बिकॉज़ कैसा है ना कि अभी मुझे कैंसर हो गया, सो आई स्टार्ट कर्सिंग समबडी, व्हाई मी व्हाई मी व्हाई मी, बट यू नेवर से इफ समथिंग गुड कम्स टू यू व्हाई यू नेवर से व्हाई ओनली मी व्हाई नॉट अदर्स, सो यू हैव टू बी रैशनल. Nothing comes easy in your life. It's all about hard work, toil, tears, passion. Nothing comes easy in your life, except with gratitude. Whatever comes in your life, and both of it. सुश्रुत, आपसे मैं क्लोजिंग रिमार्क लेना चाहूंगी, क्योंकि हम जब देखते हैं बिजनेस में हो चाहे घर में हो तो कुछ ना कुछ सीखते हैं. तुम्हारा टेक अवे क्या है कि दोनों से क्या सीखा? The main thing is like, मैंने आई ऑलवेज एम्फिसाइज एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि आई आइडलाइज हिम, राइट? सो कुछ भी होता है, आई मतलब मैं कितनी भी गाली खाऊँ, आई ऑलवेज गो टू हिम टू आस्क फॉर समथिंग, राइट? सो एंड वन थिंग दैट ही इज हु ही इज, आई एम हु आई एम, आयशु इज हु शी इज ओनली बिकॉज ऑफ हर. ओके, लाइक शी इज द पर्सन हु हैज मेड ऑल ऑफ अस, एंड आई एम श्योर ही विल अग्री ऑल्सो. So the main thing that I take away from both of them is how to establish relations, how to interact with people. Like whenever I come across her or him talking to people, they are always like, he has done a lot in his life, but he never looks down on anyone. It's true. Like every person in my factory, be it someone who works at the ground level, or be it someone who works at an administrative level or a top level, the behavior with everyone is the same. So one thing that I've understood from him and basically from her also, you know, she manages the whole home. We don't have to look after a single thing. Ghar mein hume kuch dekhne ki zarurat nahi padti, only because of her. But one thing that I can tell you is, hamare paas from day one, the domestic help that we have or whatever we have, day one, say it's been 12 years that we are here, day one se wahi log hai. हमारे साथ, same with him. When he started the factory, उस time से same लोग हैं हमारे पास. And they are willing to die for these people. So the main takeaway that I take away from them is that how one should establish relations and how one should, you know, take everyone with them together. That's the main takeaway. बहुत बेहतरीन बात कही, बहुत ही उम्दा बात है ये, क्योंकि मैं देखती हूँ कि एक अमेरिका में सर्वे हुआ था, या ongoing study है, सर्वे नहीं बोल सकते उसको, कि it is a study of happiness. और उसका जो निचोड़ निकल के आया, 75 साल से ये स्टडी है, 10,000 पन्नों की उसकी रिपोर्ट है, उसमें ये है कि वो लोग जिंदगी में खुश होते हैं, समाधानी तृप्त होते हैं, या वो लोग अच्छा खुशी से जीते हैं जो रिश्तों की अहमियत जानते हैं. और वो रिश्ते केवल हमारे पारिवारिक रिश्ते नहीं, बल्कि हमारे जो दोस्तों के साथ रिश्ते हो, हमारे साथ जो लोग काम करते हैं या मिलते हैं उनके साथ रिश्ते हो, जिनके रिश्ते हेल्दी है, जिनके रिश्ते अच्छे हैं, वो लोग खुश हैं. तो एक बहुत बड़ा सबक हम यहाँ से लेके जा रहे हैं कि वाघमारे परिवार से, कि अगर हमें ज़िंदगी खुशहाली से जीनी है तो हम रिश्तों की अहमियत समझें, हमारा जो काम होता है पैशन का वो करें, और एक दूसरे का जो एक दूसरे की खासियत है उसको बढ़ावा देते हुए मुश्किल दौर में एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़े. मैं उम्मीद करती हूँ नवभारत की ओर से उनको शुभेच्छा देती हूँ कि आपके सारे सपने पूरे हो, और सर का सहस्त्र चंद्र दर्शन, सर का सेंटेनरी, सारे के लिए मैं खुद यहाँ पर साक्षात्कार करने उनसे आऊँ और हम अपने दर्शकों से उनको फिर से रूबरू कराए. तो इस तरह के लोगों से अगर आप मिलना चाहते हो, उनसे कुछ सीखना चाहते हो, तो बातों बातों में ये हमारा प्रोग्राम जरूर देखिए. आपके जो सुझाव होंगे वो कमेंट बॉक्स में डालिए, और इसके अलावा जिन लोगों के बारे में आप सुनना चाहते हैं उनके बारे में भी आप सुझाव हमें दे सकते हैं. हम कोशिश करेंगे कि आपको उन लोगों से मिलाएं. हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. नमस्कार.